बारामूला से एक बड़ी दुखद खबर आ रही है और यहाँ पर बताया जाता है कि मुतअद्दिद अफराद जो है खाई में गाड़ी गिरने से उनकी जान ज़ाया हो गई है। अभी अभी जिस तरह से हमें खबर मौसूल हुई है, बताया जाता है अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन इसमें नहीं आई है, लेकिन हमारे सोर्स से हमें पता चला है कि 8 लोगों की इसमें जान चली गई है। ये बोनिहार के पास ये गाड़ी जो है खाई में गिरने से ये तमाम वाक़ा पेश आया और उसमें बताया जाता है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। गाड़ी सुबह यहाँ पर बारामूला से बोनियार की तरफ जा रही थी जहाँ पर उसको ये वाक़ा पेश आया और उसमें बताया जाता है कि बच्चे, औरतें और बूढ़ों के समेत यहाँ पर नौजवान भी इसमें शामिल थे, जिसमें बताया जाता है कि 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगरचि गाड़ी अभी बिल्कुल खाई में ही है और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, यहाँ पर जो NDRF और जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी कोशिशों और काविशों की वजह से अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों की जान बचाई गई है। टाटा गाड़ी थी और टाटा गाड़ी में करीब करीब बताया जाता है कि 15 से 30 सवारियाँ इसमें थी और 8 लोगों की जानें अभी चली गई है, लेकिन वही मुतअद्दिद अफराद को अभी ज़ख्मी हालत में नज़दीकी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। अभी जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उससे ये अंदेशा जाहिर होता है कि अभी मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। फिरदौस लाइव जानलमानी, JK न्यूज़, श्रीनगर। नाज़रीन, इस जगह से जो गाड़ी नीचे चली गई है, नाज़रीन, इस जगह से जो है गाड़ी नीचे चली गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मोबाइल क्या इधर किसने खा ला ना, कुछ चल पकड़ के चले भाग चले, फिलहाल में पाने आने से कुछ कुछ गाड़ी स्कॉर्पियो चलो फिलहाल में स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो नाज़रीन, फिर से मैं आपको बताऊं कि बड़ा मातम छाया हुआ है यहाँ पे, जो है बहुत सारे ढेर भाड़ियों को जो है नीचे से लाया गया, बहुत सारे लोग जो है यहाँ से नीचे चले गए हैं। इस रोड पे जो है एक्सीडेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि